हाइपरटेंशन रहेगा और इग्नोर्ड रहेगा, यानी कि प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा हुआ, तो ये कंडीशन अक्सर हर घर में देखने को मिलता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन चूंकि ये नहीं दिखाया, इसको केवल हाइपरटेंशन था और 200 से ऊपर था, रियली में इसका सिस्टोलिक तो बताया, डायस्टोलिक बताया नहीं है, तो रिपोर्ट उसको बोलना भूल गया, उसको रिपोर्ट सब लेके आना चाहिए सर, जो कोई फॉलोअप करेगा। तो ये एक स्पेशल केस हुआ जो कि कॉमन सिम्टम में आ गया कि हेमिप्लेजिया हो गया। हेमिप्लेजिया का 3 साल गुजर चुका है, 3 साल गुजरने के बाद अब ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको बेटर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब इस केस में जो केस तुम लोगों के लिए लिया, ये हिस्ट्री हो गया, ये चीफ कंप्लेंट्स हो गया, और अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट आया। हम लोग अगर लेंगे फिजिकल जनरल तो एक आता है चिली, चिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है अगर फिजिकल जनरल के लिए तो इसका कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल है। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि सॉल्टी डिजायर है और मटन डिजायर, ठीक है। उसके बाद इसका वैसे हिस्ट्री ऑफ फैटफुल ड्रिंक था, लेकिन अभी इसका नहीं देखेंगे, लेकिन लास्ट में जब टोटलिटी बनाने के बाद जब कुछ करेंगे, मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आप फैटफुल ड्रिंक का कुछ ऐसा हिस्ट्री है या नहीं, ये भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो रात में चौंक करके उठ जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी ऐसा हो रहा है। और कंपनी डिजायर कॉमन बात है, हर किसी को कंपनी डिजायर रहता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको डर है कि वो हाई प्लेसेस से गिर सकता है ना। और एक और माइंड का मेंटल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है कि वो डिक्टेटोरियल नेचर का है, वो चाहता है कि जब भी वो कुछ कमांड दे तो उसका सब बात ओबे करे और उसका बात माने, अगर नहीं मानता है तो वो श्रेकिंग करता है एंगर में, ठीक है। इतना ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक को इधर जो थर्मल, थर्स्ट, बॉगल, यूरिन, एपेटाइट, स्लीप, यहाँ तक आया है, इसको कहते हैं हम लोग होम्योपैथी में मेंटल जनरल, सॉरी फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में जो भी कोई क्लासिक कोई ऐसा सिम्टम है तो उसको हम लोग छाटते हैं। फिर इधर जो कंपनी, फियर, इरिटेबिलिटी, एंगर एक्सेट्रा है, जो भी इसका चीज़ें हैं उसको जब लेते हैं तो उसको हम लोग मेंटल जनरल रहते हैं। तो कुल मिला करके तुम लोग ये नोट करो कि हमारा केस कैसे बनता है। चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट पहले लिखो, चीफ कंप्लेंट प्लस प्लस हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ द चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट प्लस पास्ट हिस्ट्री प्लस फैमिली हिस्ट्री प्लस फिजिकल जनरल प्लस मेंटल ड्यू, ठीक है। अब इसमें से देखो कि पास्ट हिस्ट्री में क्या कुछ स्पेशल चीज था इसके पास में, उसने बोला कुछ नहीं, केवल एक बार हमको बुखार हुआ था, लेकिन 1.5 महीने के लिए रहा था, जिसका एलोपैथिक दवा चला था, नहीं ये नहीं बताया कि एलोपैथिक, बोला कैसे ठीक हुआ मुझे याद नहीं, क्योंकि 30 साल पुरानी बात है। हाँ, और दूसरा है इम्पोर्टेंट कि क्या इसका फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जिसको हम लोग होम्योपैथी में डायग्नोसिस के नाम से लेते हैं, कि कुछ ऐसा चीज है क्या जो इसको टेंडेंसी होना चाहिए था, कुछ था, क्योंकि इसका मदर को भी एसटीएम भी है, डायबिटीज मेलाइटस भी है, और फादर को ब्रोंकल एस्थमा है एंड हाइपरटेंशन है, तो इसके फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन चल रहा था, इसलिए इसको अगर थोड़ा भी लिखा पढ़ा होता, समझदार होता, तो अपने हाइपरटेंशन के लिए इसको कॉशस